एक गेहूं का पौध है, वह भी एक प्राणी है, लेकिन एक पौध से 100 बीज अगर उत्पन्न हुए और दैवयोग से 100 कृषि विज्ञान के अनुसार अंकुरित हो गए और दाने के रूप में परिणत हो गए, तो एक ही जीव कालक्रम से करोड़ों रूपों में परिलक्षित होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर जीव असंख्य सिद्ध होते हैं। अब रह गई बात जनसंख्या की। एक मनुष्य शरीर त्यागता है, जिसको मोटी भाषा में कह सकते हैं कि मरता है, जिस शरीर को त्यागता है उसमें अभिमान अहंता ममता संपन्न एक ही जीव होता है। फिर वह स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है कर्म के फलस्वरूप, या फिर मर्त्यलोक में ही मनुष्य होकर जन्म लेता है, कभी चींटी आदि होकर भी जन्म लेता है। योग वासिष्ठ का संक्षिप्त अंक कल्याण से विशेषांक निकला है, हिंदी में है, केवल उसे कोई पढ़ ले पूरा। एक एक ऋषि ने अपने 20-20 जन्मों का वर्णन किया है, अपने भाई आदि को भी बताया कि तुम 20 जन्म पहले अमुक थे, 19वें जन्म में यह थे, 18वें जन्म में यह थे। इस प्रकार अगर देखें तो 84 लक्ष योनियों में कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो अनादिकाल से अब तक हमको प्राप्त न हुआ हो। हमारा एक ग्रंथ है, उसका नाम सार्वभौम सनातन सिद्धांत संभवतः है, उसमें जो आपने प्रश्न किया है उसका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है। तो संख्या के अनुसार भी जीव की गणना होती है, और जो मैंने बताया एक से अनेक जीव की अभिव्यक्ति भी होती है, एक एक जीव में हजारों जीव तादात्म्यपन्न और सन्निहित होते हैं। जैसे कि मैंने पीपल बट आदि के और संकेत किया, गूलर, इन सब के एक एक वृक्ष में हजारों कालक्रम से करोड़ों वृक्ष होने की योग्यता होती है। यहाँ तक कि जिनकी टहनी लगती है या आम के कलम नींबू के कलम आदि लगाते हैं, पहले मैं अच्छी तरह आम नींबू आदि के कलम लगा लेता था बचपन में, तो जिनकी शाखा लगती है टहनी लगती है गुलाब आदि के भी, उन पर विचार करें तो एक जीव जो पूरे गुलाब का पौधा है, नींबू का पौधा है, या पाकर प्लक्ष जिसको कहते हैं उसका पौधा है, अब एक शाखा एक टहनी से फिर एक हो गया, तो ये भगवान की विचित्र चमत्कृति है, माया है, इसको अनिर्वचनीय उत्पत्ति कहते हैं। तो संख्या के आधार पर भी उत्पत्ति होती है और माया के अनुसार एक से अनेकों अनेक भी उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्य रीति से जीव जब तक कैवल्य मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। दूसरी बात यह भी है, कल मैंने एक युवक को उत्तर दिया था, आपका यह शरीर है, इसमें आप जो हो जीव एक हो या दो? एक है। ठीक, कितनी आयु हो गई, एज कितनी हो गई अब तक? 33।
33 वर्षों में कितने स्वप्न देखा होगा आपने? हजारों लाखों स्वप्न में भी तो आपको शरीर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? स्वप्न में जो शरीर प्राप्त हुआ, स्वप्न टूटने तक रहा, उससे पहले स्वप्न टूटने के बाद तो नहीं। लेकिन आप तो एक ही जीव हैं, लेकिन अब तक स्वप्न के शरीर की दृष्टि से विचार करें 33 साल में आप एक जीव के कितने जीव हो गए बताओ? हाँ, ये तो स्थूल बात हुई। और सूक्ष्म बात अगर हम बोलें तो चौंक जाओगे। एक स्वप्न में, सपना में जितने हमको शरीर दिखाई पड़ते हैं, उनमें एक शरीर में हमारी अहमता ममता होती है कि हम यह हैं या मैं यह हूँ। बाकी जितने होते हैं वो बाहर के होते हैं या अपने ही शरीर होते हैं। सपनावस्था में एक सर्प देखा, एक मेढक देखा, एक कबूतर देखा, एक मोर देखा, एक शेर देखा। कबूतर एक जीव हो गया, कबूतर शरीर को धारण करने वाला एक जीव, मेढक शरीर को धारण करने वाला एक जीव, सर्प शरीर को धारण करने वाला एक जीव, शेर शरीर को धारण करने वाला एक जीव, और एक जीव वो जिसमें आपकी अहंता ममता होती है। स्वप्न टूटने पर कहते आज तो स्वप्न में मैं आकाश में उड़ रहा था, आज स्वप्न में राजाधिराज बन गया, आज स्वप्न में भूखे भटक रहा था। अब आप बताओ कि स्वप्न में जो हजारों प्राणी दिखाई पड़ते हैं शरीरधारी, वो सब के सब एक ही जीव के शरीर होते या नहीं? तो एक कैसे अनेक हो जाते हैं? स्वप्न में जितने शरीर दिखाई पड़ते हैं सब आप एक जीव के ही होते हैं, क्योंकि मन में जो संस्कार होता है वही तो स्वप्न में दृश्य बनता है ना। तो एक एक स्वप्न में शुभ या शुभ कर्म, समझ गए, स्वप्न में शुभ या शुभ कर्म फल देने के लिए हजारों शरीर धारण कर लेते हैं। जीव जो है शुभ अशुभ कर्म को भोगने के लिए हजारों शरीर धारण कर लेता है। एक ही स्वप्न में क्या 1,00,000 व्यक्तियों की सभा कोई हो, ऐसा स्वप्न हो किसी को? और जगह जगह बाघ दिखाई पड़े, अब प्रश्न उठता वो 1,00,000 जो मनुष्य सभा में बैठे हैं, एक वक्ता आप हो, 1,00,000 एक तो मनुष्य ही हो गए, लेकिन मूल में कितना जीव है, एक या अनेक? एक जीव है या नहीं? पहली बार मैं ये बोल रहा हूँ विस्तारपूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए संख्या कैसा कैसे आप बैठा हो, मूल में आप एक जीव हो, लेकिन किसी की आयु मान लो 100 वर्ष हो गई, 100 वर्ष में उसने शरीर छोड़ा, अब 100 वर्ष में स्वप्न के ही कितने शरीर हो गए जिसमें उसकी भावना थी कि यह मैं, बाकी जिसको वो अहम नहीं समझता था वो भी उसी के शरीर थे। इस दृष्टि से करोड़ों शरीर 100 वर्ष की आयु में एक ही जीव के हो जाते। अब जितने शरीर हैं उतने जीव मानना पड़ेगा या नहीं? तो ये अपना ही विराट स्वरूप हो गया या नहीं? अच्छा हाँ, तुम्हारा ठीक बैठ हो गया या नहीं? हर एक एक ही जीव का विराट स्वरूप हो गया या नहीं? इसीलिए जीव की संख्या भी होती है और एक ही जीव असंख्य भी होता। क्या हो गया? अच्छा प्रश्न किया, उत्तर भी आपको बहुत अच्छा दिया गया। हो गया ताली।